कर दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार, आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हत्यारी राशियां। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। रात के काले आकाश में घूमते तारे कवियों के लिए कल्पना का स्रोत है, वैज्ञानिकों के लिए रहस्यों का भंडार और अधिकतर लोगों के लिए है ज्योतिष विज्ञान का आधार। इन ग्रहों के बारे में गहराई से जानने वाला ग्रहों की स्थिति की गणना करके कुछ भी जान सकता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। आज की लग्न कुंडली में रात के ठीक 8:12 पर शनि चंद्रमा के साथ चौथे घर में प्रवेश कर रहा है और यही लग्न सबसे उत्तम है हमारे काम के लिए। कुछ खतरा है परंतु असफलता की उम्मीद नहीं के बराबर है, हम समझ गए। और वो खतरा कौन सा है ये भी हम जानते हैं। कुछ और गैंग भी इस मौके की तलाश में थे, हो सकता है कि उनमें से ही कोई एक हमारे काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करे। अगर वे ऐसा करेंगे भी तो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज के लग्न में सफलता सिर्फ एक आदमी की किस्मत में लिखी है, मेरी किस्मत में। क्लिक, नास्त्रेदमस की किस्मत में। राजनगर के दूसरे भाग में, ध्रुव भैया आज रात को तुम बाहर मत निकलना, आज तुम्हारी पिटाई होने वाली है। अच्छा, लगे हाँ तो ये भी बता दीजिए ज्योतिषी जी कि मेरी पिटाई करेगा कौन। अब तुम्हारे आज के भविष्यफल में ये नहीं लिखा है, लिखा है कि रात्रि के प्रथम पहर में शहर में ना जाएं, शारीरिक क्षति होने की प्रबल संभावना है। ओ, इतना खतरनाक भविष्य। पगली, ऐसा भविष्यफल तो ना जाने कितने न्यूज़पेपरों में और मैगजीनों में आता है और हर किसी में अलग-अलग भविष्य दिया होता है। अरे, ये सब भी कभी सही होते हैं? बेकार की चीजें मत पढ़ा कर काम की चीजें पढ़। इंडियन टाइम्स में निकला भविष्यफल काफी कुछ सही होता है भैया, नास्त्रेदमस का भविष्यफल कभी झूठ नहीं होता। नास्त्रेदमस, उसे मरे हुए तो कई सौ साल। ये कोई और नास्त्रेदमस है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी बिल्कुल असली नास्त्रेदमस की टक्कर की होती है। अब देखो, इसने मेरे भविष्यफल में कल लिखा था कि चुप कर, पहले नास्त्रेदमस को फोन करके पूछ कि इस हफ्ते जो तेरा 10+2 का रिजल्ट आ रहा है उसमें तू पास होगी या फेल, तब पता चलेगा कि नास्त्रेदमस कितना सही बताता है और कितना गलत। गुड आइडिया, मैं अभी नताशा को फोन मिलाती हूँ इंडियन टाइम्स में। नताशा, पहले तुमने मरकरी सर्कस पर जो आर्टिकल लिखा उसमें उस सर्कस की काफी तारीफें थी और उसके बाद सर्कस में गड़बड़ियाँ शुरू हुई और फिर तुम्हारा जो आर्टिकल आया वो मरकरी सर्कस के एकदम खिलाफ था। हम ऐसे न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं चाहते हैं। अगर हम अपने विचार ऐसे ही बदलते रहें तो हमारे पेपर की इमेज खराब होते देर नहीं लगेगी। वो पहला आर्टिकल मैंने स्टारफिश के मानसिक नियंत्रण के अधीन होकर लिखा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पब्लिक ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करती, उसके लिए सुपर स्टारफिश जैसी चीजें एक गप से ज़्यादा और कुछ नहीं होती। आइंदा अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग में ज़्यादा सावधानी बरता करो। ओके सर, क्या अब मैं जा सकती हूँ? मुझे अपने नए आर्टिकल और राजनीति माफिया गैंग पर काफी काम करना है। ऑल राइट, उम्मीद है इस बार तुम एक अच्छा आर्टिकल लिखोगी। मुझे भी उम्मीद है सर। इतने खूबसूरत चेहरे पर झुर्रियाँ, मेरा मतलब है सिकन, गुस्से की सिकन। क्या हुआ नदासा? शेखर, तुमसे कितनी बार कहा है कि बकवास कम किया करो? लो, मैं तो समझता था कि लड़कियां तारीफ सुनकर खुश होती है, फिर भी क्या हुआ? अरे, वही अपना नया एडिटर इन चीफ किसी की पर्सनल प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहता। अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं, जो पता चलेगा वही लिखूंगी ना। नास्त्रेदमस से पूछ लिया कर, वैसे बाहर चलकर एक एक कप कॉफी पीने के बारे में क्या ख्याल है? अभी मूड नहीं है शेखर। वैसे एक बात बताओ, हर बार एक ही जवाब सुनकर तुम बोर नहीं होते? क्या करें, बगैर पूछे दिल भी तो नहीं भरता, किसी ना किसी दिन तो हाँ कहोगी।
देखते हैं सुपर रिपोर्टर मिस्टर शेखर नताशा को बाहर कॉफी सिर्फ एक ही शख्स पिला सकता है। मिस्टर शेखर, सुपर कमांडो ध्रुव, नताशा कहाँ थी तुम? कॉल मिला मिला कर थक गई तुमको मैं। तुम्हारा फोन है अर्जेंट। हेलो, नताशा हियर। हाँ श्वेता, व्हाट ए सरप्राइज, क्या बात है? आज मुझे कैसे याद? नास्त्रदमस। सॉरी यार, उसका एड्रेस कोई नहीं जानता। रोज शाम को उसका एक आदमी आकर भविष्यफल दे जाता है और कैश ले जाता है। च हाउ सैड। ओके सी यू। अब चलूँ अपनी छानबीन जारी रखने। यही लड़की है, नजर रखो इस पर। राजनगर में 8 बजे रात के आसपास कई स्थानों पर जाम लगना मामूली बात होती है, और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां पर राज होता है सन्नाटों का, तेज गति से दौड़ते वाहनों का और शिकार की तलाश में घात लगाए शिकारियों का। इतना महंगा कंसाइनमेंट ले जाते हुए धुकधुकी लगी रहती है यार जसपाल। ओए किस बात की धुकधुकी शर्मा? गोदाम से ऐसे 3 ट्रक और हमारे साथ निकले हैं और वे सभी अलग अलग रास्तों से होते हुए वहीं पहुंचेंगे जहां हमें जाना है। किसी भी लुटेरे के लिए ये जानना असंभव है कि असली माल किस ट्रक में। शर्मा के पैर ब्रेक पर दबते चले गए। ची, किसी ने गद्दारी की है शर्मा, ये हमारा है इंतजार। बड़ाम। उतर नीचे। कौन हो तुम लोग? तुमको कैसे पता चला कि? खामोश, वैन का दरवाजा ग्रेनेड से उड़ा दो। तड़ाक। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड एक भीषण आवाज के साथ दरवाजे से जा टकराया, लेकिन दरवाजे और लॉक पर जरा भी असर नहीं हुआ। बड़ाम। दरवाजा स्पेशल मेटल का बना लगता है, इस पर ग्रेनेड का कुछ भी असर नहीं हुआ। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, वैन को ही ले चलते हैं, और अगर इसमें वो छोटा बॉक्स नहीं रखा हुआ तो हमारा इन्फॉर्मर उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाएगा। लेकिन इससे पहले कि लुटेरे वैन में चढ़ पाते, हवा में कुछ चमका, स्टार ब्लेड, और उन्होंने वैन के टायरों को पंक्चर कर दिया। इसका एक ही मतलब है कि सुपर कमांडो ध्रुव यहाँ पर आ चुका है। तुमसे कहा था कि मोटरसाइकिल की आवाज़ का ध्यान रखना। धाड़। अम ध्यान तो रखा था पर आवाज़ आई ही नहीं। या आवाज़ आती कहाँ से? मैं मोटरसाइकिल से आया ही नहीं। इस समय के ट्रैफिक में मोटरसाइकिल से कहीं पर भी जल्दी पहुंच पाना असंभव काम है। मोटरसाइकिल आधी रात की सुनसान सड़कों पर गश्त के लिए ही ठीक है। इस समय तो छतों के रास्ते झूलते हुए आना ही सबसे अच्छा तरीका है। तू यहाँ तक आ कैसे गया लड़के? तुझे पता कैसे चला कि यहाँ पर कुछ हो रहा है? ध्रुव की हजारों आंखें हैं, जिनमें से दो आंखें ये है। ताड़। क्रिया। ये चारों एक सी पोशाक पहने हुए हैं, यानी ये किसी एक ही गैंग के आदमी हैं, और इनके हथियार देखकर लगता है कि वो गैंग काफी शक्तिशाली है। ध्रुव ने मामला निपटाने में ज्यादा समय नहीं लगाया, क्योंकि उसको जानना था कि क्या हो रहा था यहाँ पर। इस वैन में ऐसा क्या है जिसके पीछे ये गुंडे पड़े हुए थे? ये जानकर तू क्या करेगा कमांडो? क्योंकि इस वैन में जो कुछ भी है उसे शुक्र और शनि ले जाएंगे। बड़म। ओह, हाई एक्सप्लोसिव रिंग्स, शनि के छल्ले। एक बार में ही वैन के दरवाजे के परखच्चे उड़ा दिए। ध्रुव के कुछ समझने से पहले ही शुक्र वैन में से एक छोटा सा बॉक्स लेकर बाहर आ चुका था। आराम से आओ, ये भून के हमको रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे। रोको उन्हें, इस बॉक्स में सुपर हाई क्वालिटी के रत्न रखे हैं एक्सपोर्ट के लिए। इनकी कीमत अरबों में है। ध्रुव के लिए आगे कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। अगले ही पल धम, बॉक्स ध्रुव के हाथ में था। धड़ाक। लेकिन ध्रुव को उसी पल शुक्र से दूर उछल जाना पड़ा। एक भुनगे ने हमको काट खाने की कोशिश कर ही डाली, इसको तुरंत मसल डालना चाहिए। ओ एक्सप्लोसिव रिंग्स, इसका असर तो मैं देख ही चुका हूं। ध्रुव रिंग से तो बच गया। बड़ाम। लेकिन हवा में उड़े चट्टान के असंख्य टुकड़ों ने अपना अपना निशाना ढूंढ लिया। शुक्र को होश खोते देखकर शनि क्रोध से पागल हो गया। साए
साएं, एक्सप्लोसिव रिंग्स हवा में टिड्डियों की तरह छा गए, लेकिन ध्रुव को एक भी रिंग नहीं छू पाया। इन रिंग्स को ज़्यादा देर तक धोखा दे पाना मुश्किल लगता है। इनका मुकाबला करके इनको हवा में ही नष्ट करना होगा। और ये काम करेंगे चट्टान के ये टूटे टुकड़े। पहले एक्सप्लोसिव रिंग्स ने इनको तोड़ा और ये अब एक्सप्लोसिव रिंग्स को नष्ट करेंगे। चट्टान के टुकड़े हवा में उड़ते रिंग्स से टकराएं और रिंग्स हवा में ही नष्ट होने लगी। इधर लुटेरे भी होश में आ रहे थे। ये दोनों कौन हैं? पता नहीं, मगर जो भी हैं ये उसी माल के पीछे हैं जिसके पीछे हम हैं। अभी बॉक्स जमीन पर पड़ा है और ये दोनों लड़ने में बिजी हैं। दूसरा बेहोश पड़ा हुआ है। यही मौका है, माल उठाओ और फूट लो। बिजली की सी तेजी से एक गुंडे के हाथ बॉक्स पर कस गए और अगले ही पल उसके चीथड़े उड़ गए। बड़ाम! वो ध्रुव नहीं था जो उछलकर एक्सप्लोसिव रिंग से बच जाता। ये छोटा सा नमूना ही लुटेरों के दिल में दहशत व्याप्त करने के लिए काफ़ी था। भागो भागो! अब लड़ाई सिर्फ ध्रुव और सनी के बीच में थी। इस पर एक्सप्लोसिव रिंग का वार करना बेकार है। उनको तो ये उछल उछल कर बेकार कर देता है। इससे दूसरे तरीके से निपटना होगा। ये रिंग तेरे शरीर को जकड़कर तुझे हिलने डुलने से भी लाचार कर देंगे कमांडो, और फिर तू हमारे किसी भी वार के लिए एक आसान सा निशाना होगा। साएं साएं! हो सकता है सनी, लेकिन पहले इन रिंग्स को मुझे कैद तो कर लेने दो। ये रिंग तो तुझे कैद करके ही रहेंगे कमांडो, क्योंकि तुझे पहले बेबस करेंगे शुक्र के बादल और फिर तुझे अपनी कैद में पीस डालेंगे सनी के छल्ले। ओ, ये भी होश में आ गया। फिस! शुक्र के हाथ से घने रासायनिक बादलों ने निकलकर ध्रुव को घेर लिया। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घने बादलों में घिर कर ध्रुव कुछ पलों के लिए चकरा गया। सुपर कमांडो ध्रुव, अब इन छल्लों के बाहर तेरी लाश ही जाएगी। ये छल्ले हवा की नमी सोख कर पहले आकार में बढ़ते हैं। अब ये जैसे जैसे तेरे शरीर की गर्मी से नमी उड़ती जाएगी, ये छोटे होते जाएंगे और फिर तेरे बदन की सारी हड्डियों को तोड़कर तेरे खून में मिला देंगे और तुझे मिलेगी एक भयानक मौत। गुड बाय सुपर कमांडो, अब नर्क में मुलाकात होगी। ओ, ये दोनों भाग रहे हैं और मैं इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि फिलहाल तो मुझे अपनी जान बचाने का रास्ता सोचना है, क्योंकि ये छल्ले मेरे शरीर को कसते जा रहे हैं। अगर मैंने इनसे बचने का जल्दी कोई उपाय ना किया तो सनी की बात सच होकर ही रहेगी। सिक्योरिटी सर्विस के दोनों आदमी भी नज़र नहीं आ रहे हैं, शायद भाग गए हैं। अब अपनी मदद मुझे खुद ही करनी है और वक्त बहुत कम है। लेकिन इन छल्लों से छुटकारा कैसे? ओह, सनी ने कहा था कि ये छल्ले नमी पाकर आकार में बढ़ते हैं और नमी खोकर छोटे होते जाते हैं। अगर इनको नमी दे दी जाए तो ये आकार में बढ़ने लगेंगे और मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा। और इन छल्लों को नमी देगा इस वैन के रेडिएटर में भरा पानी। ध्रुव का बदन लुढ़कता हुआ वैन तक पहुँचा और रेडिएटर पर कुछ सदे हुए वारों के बाद धाड़ धाड़ भार ठक, रेडिएटर में छेद हो गया। टप टप, और पानी के बूंदे टपक कर छल्लों को भिगोने लगी। कुछ ही पलों बाद ध्रुव छल्लों से आजाद था। इतनी देर में मेरे अलावा सभी लोग यहां से भाग चुके हैं और वैन का बेशकीमती कंसाइनमेंट भी लूट चुका है। अब यहां पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। रात का अंधेरा ध्रुव को निगल गया और इसी वक्त राजनगर की सबसे शानदार इमारतों में से एक, तुमको इंडियन टाइम्स का चीफ एडिटर मैंने बनवाया है बेंद्रे, याद है ना? तुम्हारी नौकरी और इज्जत भी मेरे रहमो करम पर है और तुम्हारी जान भी, याद है ना? याद है बारको सर, फिर तुमने उस लड़की को माफिया गैंग और राजनीतिकों की मिली भगत पर आर्टिकल लिखने की इजाज़त क्यों दी? इंडिया का सबसे बड़ा माफिया चीफ है बारको, और राजनीतिज्ञों को उनकी गद्दी पर बैठाता है बारको। अगर वो लड़की नताशा मुझ तक पहुंच गई तो इस गलती का जिम्मेदार बारको तुझे मानेगा बेंद्रे।
और इस गलती की कीमत तो अपनी जान देकर चुकाएगा बेंद्रे, याद है ना? याद है बारको सर, पर ऐसा मैंने काफ़ी सोच समझकर किया है। उस लड़के पर नज़र रखने का यही एक रास्ता था। मैं मना करता तो वो नौकरी छोड़कर ये आर्टिकल लिखने निकल पड़ती। ऐसे कम से कम हमें ये तो पता रहेगा कि वो आखिर क्या पता कर रही है। उस पर नज़र रखो बेंद्रे, वरना मुझे खामखा अपने हाथ उस लड़की के खून से रंगने। पी पी ओह सिग्नल, तुम जा सकते हो बेंद्रे, लेकिन डेली रिपोर्ट देते रहना, याद है ना? याद है बारको सर। इस मूर्ख बेंद्रे को ये पता नहीं है कि मेरे दो आदमी नताशा के पीछे पहले से ही लगे हुए हैं, जो एक गलत हरकत पर उसके सिर को खींचकर उसके धड़ से अलग कर देंगे। हमारे आदमी वापस आ गए हैं बारको सर, आ गए। चलो मैं आता हूँ। लाओ वैनी कहाँ है? वे अनमोल रत्न और रसूल खान नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ रह गया वो? भय से थर थर कांपता वैनी सब कुछ हाई स्पीड टेप की तरह उगलता चला गया। ओह, वे रत्न मुझे इसलिए चाहते थे ताकि मैं उनको बेचकर पैसा कमा सकूं और उस पैसे से राजनीतिज्ञों को खरीद खरीद कर अपनी जेबों में रख सकूं। दुनिया की नज़रों में मैं एक बिजनेसमैन हूं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन मेरे पैसे कमाने का जरिया तो अपराध ही है, और उस जरिया को तुमने नुकसान पहुंचाया है, और ऐसा करके तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, और बालकों को जब गुस्सा आता है तो वह बन जाता है पागल कुत्ता, घर ले जाकर फेंक दो इस नुची हुई लाश को समुद्र में, और ये पता लगाओ कि वे दोनों आदमी कौन थे और किसके थे। मेरे, अब ये सारे रत्न मेरे हैं, इनको बेचकर तो करोड़ों या शायद अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। ये रत्न पैसा जरूर कमाएंगे, लेकिन बिककर नहीं। ये सारे रत्न हीरा पन्ना पुखराज नीलम मुंगा बहुत हाई क्वालिटी के हैं, एक भी नुक्स नहीं है इनमें, इसलिए इनको एक खास अंतर्राष्ट्रीय नीलामी के लिए भेजा जा रहा था। एक बार इनके बारे में पता चल जाने के बाद मेरी ज्योतिषी विद्या के लिए ये जानना मुश्किल नहीं था कि ये रत्न किस समय और किस रास्ते से एयरपोर्ट जाएंगे। कमाल की ज्योतिष विद्या जानते हैं आप महान नास्त्रदमस। हाँ जानता हूँ, अपने महान ज्योतिषी पिता से सीखी है मैंने ये विद्या। वे सिर्फ एक बात नहीं जानते थे कि ज्योतिषी विद्या और विज्ञान का आपस में गहरा संबंध है, लेकिन मैं इस बात को साबित करके रहूँगा, और इसका सबसे पहला नमूना मैं उन लोगों को दिखाऊँगा जिन्होंने मुझे पागल कहकर अपने बीच से दुत्कार कर निकाल दिया था। अगले दिन मरकरी सर्कस के यहाँ से जाने से मैं तो बेकार हो गई ध्रुव। अब तो एक ही रास्ता बचता है कि मैं सड़क पर माजमा लगाकर नट का तमाशा दिखाऊं। गुड आइडिया रिचा, नगाड़ा मैं बजा दूंगी, कमाई का 10% दे देना। तुम चाहो तो कमांडो फोर्स ज्वाइन कर सकती हो रिचा। कमांडो फोर्स? नो थैंक्स ध्रुव, मुझे लड़ाई भिड़ाई से बहुत डर लगता है। तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारी रुचि जिमनास्टिक के अलावा और किस चीज़ में है। कंप्यूटर? वाह, तब तो तुम कमांडो हेडक्वार्टर के नए सुपर कंप्यूटर को संभाल सकती हो। संभाल तो सकती हूँ, मैं एक एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ, लेकिन काम करने के लिए मुझे पूरे एकांत की ज़रूरत होती है। मैं कमांडो हेडक्वार्टर में बैठकर काम नहीं कर सकती। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में एक कंप्यूटर टर्मिनल लगवा कर उसे अपने सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट करवा देता हूँ। उसके बाद तुम घर बैठे मेरे सुपर कंप्यूटर को हैंडल कर सकती हो, काम भी हो जाएगा और तुमको एकांत भी मिल जाएगा। गुड आइडिया ध्रुव, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। बाकी बातें बाद में करेंगे रिचा, अब मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। तुम कंप्यूटर टर्मिनल लगवाओ, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। तुमने अपने दुश्मन ब्लैक कैट को भी अपना भक्त बना लिया है ध्रुव। अब जब तक तुमसे दोबारा नहीं मिलती तब तक मेरा समय कैसे कटेगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। लगता है एक और कन्या भैया पर धराशायी हो गई है।
नताशा धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच रही थी। ये है शरद कुमार का बंगला। मेरी इन्फॉर्मेशन के अनुसार अगले महीने राजनगर में होने वाले संसद के उपचुनावों का ये भी एक उम्मीदवार है। ये पैसा पानी की तरह बहा रहा है और इसके माफिया सरगनों से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। और इस वक्त भी इसके बंगले में घुसने वाला ये आदमी किसी भी कोण से शरीफ नहीं लग रहा है। मेरा यहाँ पर 1 घंटे का इंतजार आखिर रंग ही ले आया। जाहिर है कि ये जो कुछ भी बात करने आया है वो मेरे काम की होगी। ऐसे तो अंदर घुसकर इसकी बातें सुन पाना बहुत मुश्किल है, पर मैं इसका इंतजाम करके आई हूँ। जा डियर डोब और मुझे इनकी प्यारी प्यारी बातें सुना जा। गुंटूर गुंटूर गुंटूर। शरद बाबू, यह है उन उम्मीदवार पुलिस वालों की लिस्ट जिनका ट्रांसफ़र करवाना है। मिनिस्टर मिनिस्टर बाबू से तो आपके अच्छे अभी भी अच्छे कनेक्शन हैं। वैसे भी ये बात तो वे भी समझ ही रहे होंगे। इस चुनाव क्षेत्र से तो आपको ही जीतना है। वी भाई का सहयोग रहा तो हमको जीतने से कौन रोक सकता है। तुम बी भाई को बोल देना कि उनका काम हो जाएगा। उनके इलाके में ये पुलिस वाले दोबारा नज़र नहीं आएंगे। बी भाई तक हमारी एक और इल्तिजा पहुंचा देना। 4-5 आदमी भेज दें हमारे खिलाफ खड़े एक विपक्षी उम्मीदवार के होश ठिकाने लगाने हैं। काम हुआ समझो शरद बाबू, अब हम चलते हैं। नमस्कार शरद बाबू। कबूतर की गर्दन में बंधा हुआ माइक्रो ट्रांसमीटर एक एक शब्द को नताशा के टेप रिकॉर्डर तक पहुंचा रहा था। मेरा ख्याल सही निकला, शरद कुमार का किसी वीआई से संपर्क है और ये वीआई कोई गुंडे पालने वाला माफिया चीफ लगता है। ये है मेरा शरद भाई के खिलाफ सबूत। अब देखा जाए कि ये रहस्यमय बीआई कौन है। ये गंजा जहाँ भी जाएगा बीआई भाई का ठिकाना भी वहीं होगा। चलो, लेकिन नताशा ज़्यादा देर तक पीछा जारी नहीं रख पाई। धड़ाक मार धक्का। दूसरी गाड़ी के सवार नताशा के उतरने से पहले ही अपनी गाड़ी से नीचे उतर चुके थे। ये क्या बदतमीजी है, गाड़ी चलानी नहीं आती है क्या? वो कैसे हमको दे दे लड़की। और इसी दौरान राजनगर के सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के शवगृह में इसके बारे में कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? हमने अपनी सारी फाइलें छान मारी है ध्रुव, ये राजनगर का गुंडा नहीं है, इसको कहीं और से बुलाया गया था। उस ज्वेल कंसाइनमेंट के पीछे लुटेरों के 2 गुट पड़े हुए थे और उन दोनों गुटों के बारे में हमको कुछ नहीं पता। वो तुम्हारे शुक्र और शनि, उनका अगर कोई बॉस होगा तो जरूर कोई पागल एस्ट्रोलॉजर होगा। होता है ना, कोई बॉस पागल वैज्ञानिक होता है, कोई ढीला पेंच प्रोफेसर, बस वैसे ही। शायद आप ठीक कह रहे हैं, आइडिया सोचने लायक है। इंस्पेक्टर खन्ना मुझ पर व्यंग कसते कसते शायद गलती से सही बोल गया। शुक्र और शनि के अपराध करने के तरीके से साफ पता लगता है कि उनका अपराध करना ग्रहों की वास्तविक शक्तियों पर आधारित है। वे कहीं ना कहीं खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़े हुए हैं। शायद राजनगर ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर मेरी कुछ मदद कर सके, उनसे मिलना होगा मुझे। नताशा पर खतरा मंडरा रहा था। कैसे हमको दे दे लड़की, कैसे चाहिए तो किसी ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी में जाकर मांगो, मैं ये बिजनेस नहीं करती। मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसेट लेने के बाद तुझे खत्म किया जाए या तुझे खत्म करने के बाद कैसेट ले ली जाए। तूने पंजा राज की मुश्किल आसान कर दी। धाड़। वार अप्रत्याशित था। नताशा वो वार बचा ना सकी। कुछ पलों के लिए उसका सिर घूम गया और उसकी गर्दन एक शिकंजे में कस गई। असीमित ताकत थी उन पंजों में। नताशा का सिर धड़ से उखड़कर अलग हो जाने को बेताब हो रहा था। लेकिन नताशा एक आम लड़की नहीं थी, दांव पेच उसे भी आते थे। धम। ओह, इधर मैं उस पंजाराज से निपट रही हूं और उधर वो निग्रो मेरी कार से कैसेट निकाल चुका है। तड़ाक। कैसेट निग्रो के हाथ से छूट गई। धड़ाक। और नताशा कैसेट की तरफ लपकी, लेकिन कैसेट तक पहुंच पाने से पहले ही धाएं निग्रो अपनी पिस्तौल निशाने पर तान चुका था।
धाए धाए धाए, तड़ाक कड़ाक, बड़ाम तड़ाक तड़ाक। कुछ पलों बाद पिस्तौल नताशा के हाथ में थी। अब तुम दोनों मुझे बताओ, क्यों लगे थे मेरे पीछे? कैसेट से तुम लोगों का क्या संबंध है? अगले ही पल नताशा के सिर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। धड़ाक। चल मूर्खो, एक मामूली रिपोर्टर लड़की से पिट गए। मुझे मालूम था कि मेरा पीछा हो रहा है, और ये भी मालूम था कि तुम दोनों इस लड़की के पीछे लगे हो, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आ गया। अच्छा ही हुआ, वरना इस वक्त तुम दोनों पुलिस की हिरासत में होते। खत्म कर दो इस लड़की को। नहीं, इसको चेतावनी मिल चुकी है, इसको संभलने का एक मौका मिलना चाहिए। अभी यहाँ से चुपचाप फूट लो। वैसे बी भाई, तुम दोनों के रिपोर्ट पाकर खुश नहीं होंगे। रात का अंधेरा धीरे धीरे अपनी काली चादर में राजनगर को समेट रहा था। यह है राजनगर ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर डॉक्टर साहा का अपार्टमेंट। हेलो डॉक्टर साहा स्पीकिंग, आप कौन? ओ ध्रुव, हाँ, मुझसे मिलना चाहते हो? ठीक है, अभी मैं घर पर ही हूँ, बाकी फैमिली घूमने गई है, यहीं पर बात कर लेंगे। ओके प्रोफेसर साहब, मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ आपके पास। आखिर ये ध्रुव को मुझसे मिलने की क्या जरूरत पड़? ये महक किस चीज़ की आ रही है? ये तेरी मौत की महक है साहब। ची, कौन हो तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुमको ये विस्तार पूर्वक समझाने आया हूँ। तुम जो कुछ कहते थे वो गलत था, और जो कुछ मैं कहता था वो सही था, और अब मैं तुमको दिखाता हूँ ग्रहों की ताकत। ये सूर्य की शक्ति थी साहा, जिसकी किरणों को इस अंगूठी में लगा रत्न सोखता है, और फिर मेरी कलाई में लगा एम्पलीफायर इन किरणों की शक्ति को 10 लाख गुना बढ़ाकर घातक शक्ति वाला बना देता है। पागल हो गए हो क्या? आग लगाओगे इस बिल्डिंग में? घबराओ मत, ये दूसरा रत्न शुक्र ग्रह की किरणों को सोखता है। शुक्र के बादल और पानी इस आग को बुझा देंगे। ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि तूने ही मेरे नाम पर धब्बा लगाया है। मैं शांतिपूर्वक ऑब्जर्वेटरी में अपना प्रयोग कर रहा था, तूने मुझे ऑब्जर्वेटरी से निकाल दिया, ये कहकर कि ये पागलपन वाले प्रयोग इस ऑब्जर्वेटरी में नहीं होंगे। याद है जब मैंने कहा था कि ज्योतिष शास्त्र भी खगोल शास्त्र का ही एक अंग है, और खास रत्न खास ग्रहों की किरणें सोखते हैं? तब तू कितनी जोर से हंसा था। पागल कहा था तूने मुझे, और फिर मुझको ये कहकर नौकरी से निकाल दिया था कि ये ऑब्जर्वेटरी है, पागलखाना नहीं। वो तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि तुम सरकारी ऑब्जर्वेटरी में अपने व्यक्तिगत प्रयोग कर रहे थे, इसकी मैं इजाज़त नहीं दे सकता था। झूठ, तुम डरते थे मुझसे, मेरी बुद्धि से जलते थे, इसलिए तुमने मुझे रास्ते से ही हटा दिया। पर आज मैंने ये साबित कर दिया कि मैं सही था और तू गलत, और अब तू भी मेरी महानता को स्वीकार करेगा, मेरे पैर छुएगा। चल, छू मेरे पैर, चल। भय से थर थर कांपते और भागने का रास्ता ढूंढ रहे डॉक्टर साहा ने ये मौका नहीं खोया। मुझसे बचकर कहाँ जाएगा साहा, भाग जितना भागना है। नास्त्रेदमस के बाहर निकलने तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। समझता है कि लिफ्ट से भागने से बच जाएगा, लेकिन इस मूर्ख को अभी नास्त्रेदमस की शक्तियों के बारे में 10% भी नहीं पता है। नास्त्रेदमस के हाथ से निकली किरण तेजी से सीढ़ियों पर बर्फ जमाने लगी, और नास्त्रेदमस उस पर फिसलता हुआ नीचे की तरफ बढ़ने लगा। वहां से थोड़ी ही दूर पर रिचा के अपार्टमेंट में फर्स्ट क्लास। तुमने तो पूरी कंप्यूटर लैब बिठा ली रिचा। मैंने नहीं, तुमने। फाइनेंस तो आखिर तुमने ही किया है इस कंप्यूटर लैब को। वैसे मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, अब मैं इस कंप्यूटर सिस्टम के जरिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। वेरी गुड, फिलहाल मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा था, रास्ते में सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूँ। अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। डॉक्टर साहा अब एक भी कदम आगे बढ़ने की हालत में नहीं थे। क्या हुआ तुमको? रोको उसे, वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? वो ये कौन है? बर्फ पर फिसलता हुआ आ रहा है।
हट जा मेरे रास्ते से मूर्खो, वरना साहा के साथ साथ तुम लोगों को भी पीस डालूंगा मैं। रुक जाओ, वरना ये रुक नहीं रहा है सर। देन फायर, घायल कर दो इसे। राइफल की नाल नाल गोलियां उगलने लगी, बड़ाम तड़ तड़ तड़, लेकिन एक भी गोली नास्त्र दमस तक नहीं पहुंच सकी। मुझ पर गोलियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरे जुपिटर ग्रह की शक्ति तुम्हारी गोलियों को खींचकर बर्बाद कर देगी। यह है जुपिटर ग्रह की त्रिव गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और अब मैं तुमको बुध ग्रह की शक्ति दिखाता हूँ। बुध ग्रह की एक सतह का तापमान शून्य से 272 डिग्री नीचे है, लेकिन दूसरी सतह का तापमान जो हमेशा सूर्य की तरफ रहती है 400 डिग्री है, और इतने तापमान पर धातुएं तक पानी की तरफ पिघलकर बहने लगती है, जैसे तुम्हारी जीभ। भागो, जीभ फटने वाली। बड़ाम, दूर रहो मुझसे। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा साहा? मैं बचाऊंगा ध्रुव। ओ थैंक्स गॉड। सुपर कमांडर ध्रुव, मेरे आदमियों शुक्र और सली ने मुझे तुम्हारे बारे में सावधान किया था। अच्छा हुआ कि तू अपने आप मेरे हाथों से मरने के लिए यहाँ पर आ गया। अब नास्त्रदमस तेरी मौत का तरीका खुद तय करेगा। नास्त्रदमस? तुम नास्त्रदमस हो, और वे शुक्र और शनि तुम्हारे आदमी थे, यानी वे सारे कीमती रत्न तुमने लूटे हैं, और ये तुम्हारा दूसरा जुर्म है। अपने आप को चुपचाप मेरे हवाले कर दो। मैं तुझे मौत के हवाले करने जा रहा हूँ बच्चे, और तू मुझे अपने हवाले करने की बात कर रहा है। ओह आश्चर्यजनक, इसकी उंगली से निकली किरणों ने जमीन में आग लगा दी। आखिर ये मुझ पर किस चीज से हमला कर रहा है? इसके हाथ के अंगूठियों के रत्न अलग अलग ग्रहों की किरणें सोखते हैं, और ये उन ग्रहों की शक्ति से ही आक्रमण करता है। ध्रुव, ये किरणें काफ़ी खतरनाक है। तुम अगर इसकी अंगूठियों को किसी तरह से बेकार कर दो तो। बहुत बोलता है तू साहा, गर्मी बहुत है तुझमें। ले, मैं तुझे ठंडा कर देता हूँ। हे भगवान, इसने डॉक्टर साहा को बर्फ की सिल्ली में कैद कर दिया। घबरा गया? च च च च च घबरा मत, मैंने तेरे लिए मौत का दूसरा तरीका चुना है। ये है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में तैरते चट्टानी टुकड़ों की पट्टी, एस्टेरॉयड बेल्ट। इस एस्टेरॉयड बेल्ट की शक्ति ही तेरी मौत का कारण बनेगी लड़के। ओह, ये भारी भारी चट्टानी टुकड़े गोली की रफ्तार से मेरी तरफ आ रहे हैं, और ये इतनी ज़्यादा तादाद में है कि इनसे कुछ देर तक भी बच पाना मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ, क्या मतलब है आपका? मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखेंगे आप? हम रिपोर्ट लिखते हैं नताशा जी, मनगढ़ंत आरोप और गप्पे नहीं लिखते। मैं मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा रही हूँ। मुझ पर जानलेवा हमला किया गया। मैं 3 गुंडों के हुलिये भी बता सकती हूँ। ऐसे तो मैं आपको 575 गुंडे के हुलिये बता सकता हूँ। आप जिस इलाके में हमले की बात बता रही हैं, उस इलाके में हमारी पेट्रोल जीप बराबर गश्त लगा रही थी, और उसने कुछ नहीं देखा। आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे इंस्पेक्टर, तो मैं इस खबर को अपने पेपर में छाप दूंगी। आप इसको पूरी दुनिया के पेपर में छपवा दो, फिर भी झूठ झूठ ही रहेगा। ऑल राइट, मैं तुम्हारे सीनियरों से तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। जाओ जाओ मैडम, धमकी किसी और को देना। नताशा धमकी नहीं देती मिस्टर इंस्पेक्टर, मुझे सिर्फ ध्रुव से मिलने की देर है, उसके बाद आईजी साहब से कहकर तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगी। मालूम नहीं नताशा के मिलने तक ध्रुव की किस्मत में जिंदा बचना था भी या नहीं। ताड़, अभी तक तो मैं किसी तरह से जान बचाए हुए हूँ, लेकिन इन तूफानी रफ्तार की चट्टानों का एक भी सीधा वार मेरे सारे बदन की हड्डियां तोड़ देगा। नास्त्रदमस तक पहुंचकर उसकी अंगूठियों को जल्द से जल्द बेकार करना होगा, पर कैसे? वाह, तरीका तो सामने खड़ा हुआ है। ये बर्फ की सिल्ली भी ग्रहों की शक्ति से बनी है, और ये चट्टाने भी, ये दोनों एक दूसरे के असर को काट सकते हैं। नास्त्रदमस के संभल पाने से पहले ही बर्फ की सिल्ली उसके शरीर से आ टकराई, धड़ाक, और नास्त्रदमस क्रोध से पागल हो गया। तूने नास्त्रदमस पर हमला करने की जरूरत की, मैं तेरा नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। तुझे बृहस्पति ग्रह की शक्तियों से मारूंगा। पहले संभाल महाविशाल ग्रह बृहस्पति की सतह पर घूमते लाल तूफान को। तड़ाक, छनाक,
ध्रुव का बदन उड़ता हुआ ज्वेलरी शॉप की शो विंडो से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुलेट प्रूफ शीशा भी चटक कर रह गया और ध्रुव का दिमाग सुन्न हो गया। तो उछलता बहुत है, सबसे पहले इसी का इंतजाम कर दूं बृहस्पति ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। ये क्या हो गया, मेरे पैर तक हिल नहीं पा रहे हैं। सोच, वो गर्मी तेरे हार्ड मांस के शरीर का क्या हाल करेगी। ध्रुव की विस्फारित आंखें अपनी तरफ बढ़ती हत्यारी तरंगों को देखने के अलावा और कुछ ना कर सकी। ये क्या हो गया, मेरे पैर तक हिल नहीं पा रहे हैं। नहीं हिल पा रहे हैं ना, तूने बुध ग्रह की गर्मी से जीभ को पिघलते तो देखा ही होगा। सोच, वो गर्मी तेरे हार्ड मांस के शरीर का क्या हाल करेगी। ध्रुव की विस्फारित आंखें अपनी तरफ बढ़ती हत्यारी तरंगों को देखने के अलावा और कुछ ना कर सकी। लेकिन उसके हाथ अपने बचाव के लिए आसपास की जगह को टटोलने लगे और उसके हाथ में कुछ आ गया। ये क्या, ये घातक किरण मेरे मुट्ठी में सिमटती जा रही है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही है, पर क्यों, ऐसा क्या आ गया मेरी मुट्ठी। रत्न, ज्वेलरी शॉप के शोकेस में रखे रत्न। ओ, ये रत्न मेरे रत्नों से निकली घातक तरंगों को सोख कर वापस सामान्य स्तर का बनाए दे रहे हैं। हाँ नास्त्रदमस, अब मैं अपने पैर भी हिला सकता हूँ और हाथ भी। धड़ाक, मेरे रत्नों की शक्ति बेकार हो गई। अभी यहाँ से भागने में ही भलाई है, इस छोकरे से तो मैं बाद में निपट लूंगा। इस पर मेरी शक्तियाँ असर नहीं करेगी, लेकिन सड़क पर जरूर करेगी। सड़क पर जमा तारकोल भभक उठा। ध्रुव और नास्त्रदमस के बीच में आग की एक दीवार खड़ी हो गई और नास्त्रदमस भाग निकला। अभी मैं उसका पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर साहा और दोनों पुलिस वालों की जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर रीचा के अपार्टमेंट में, तुमको इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ रीचा, लेकिन डॉक्टर साहब से मुझे कुछ ज़रूरी बातें पूछनी है और घटनास्थल से सबसे पास तुम्हारा ही अपार्टमेंट पड़ता है। माफ़ी, मुझे शर्मिंदा मत मत किया करो ध्रुव, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकी। चलो देखें डॉक्टर साहब बातचीत करने की स्थिति में आ गए हैं या नहीं। डॉक्टर साहा से सारी बातें जानने के बाद, ओह, तो ये नास्त्रदमस पहले ऑब्जर्वेटरी में एक वैज्ञानिक था। हाँ ध्रुव, ऑब्जर्वेटरी से निकाले जाने के बाद इसने कंपाला हिल्स में अपनी एक ऑब्जर्वेटरी बनाई। वहाँ पर इसने अपना कंप्यूटर सिस्टम भी लगाया और चोरी छिपे हमारी ऑब्जर्वेटरी के कंप्यूटर सिस्टम से संपर्क बनाकर हमारी कई गुप्त सूचनाओं को भी चुराया। वाह, यानी नास्त्रदमस के कंप्यूटर सिस्टम का बाहर के सिस्टमों से भी संपर्क है। वेरी गुड, तब तो मैं भी अपने कंप्यूटर के जरिए नास्त्रदमस के कंप्यूटर सिस्टम को यहीं से बैठे बैठे बेकार कर सकती हूँ। तो फिर रीचा करो, नास्त्रदमस का खतरा अभी भी राजनगर पर मंडरा रहा है। पर ये इतना आसान नहीं है ध्रुव, नास्त्रदमस के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कितना समय लगेगा, 2 मिनट से लेकर 2 साल तक लग सकते हैं। ओह, तब तुम अपने तरीके से नास्त्रदमस को रोकने की कोशिश करो और मैं अपनी तरह से उसको रोकता हूँ। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में कैप्टन इंस्पेक्टर शमशेर सिंह हियर। हाँ, वो लड़की आई थी रिपोर्ट लिखवाने, पर आपने मुझे पहले ही सतर्क कर दिया था, इसलिए मैंने रिपोर्ट लिखी ही नहीं। हमने सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, सभी थानों में खबर भेज दी है। वैसे तुमने अच्छा काम किया, गुड वर्क। पर वो मेरा नाम पेपर में छापने की धमकी दे रही थी। घबराओ मत, आराम से थाने में लेट कर सो, कल कल 10,000 का एक पैकेट तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। रिपोर्ट पेपर में छापेगी। कोशिश करके देख लड़की, बारको सर के हाथ वहाँ वहाँ पहुँचे हुए हैं जहाँ तक हवा भी नहीं पहुँच पाती। वैसे ये लड़की हमारी चेतावनी से कुछ सीखी नहीं, लगता है समय से पहले ही इसकी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना पड़ेगा। कंपाला हिल्स, क्या ध्रुव ने आपको भी भागने पर मजबूर कर दिया। किस्मत तेज थी उसकी सनी कि हमारी लड़ाई एक ज्वेलरी शॉप के पास ही हो रही थी, वरना आज उसकी लाश तक ना मिलती किसी को। अगर ध्रुव ध्रुव ने
आपकी शक्तियों का कार्ड ढूंढ लिया है, तब तो मामला खतरनाक हो गया है। अगर वो यहां तक आ गया तो यहां तक वो आएगा ही सनी। साहा उसको यहां का पता जरूर बताएगा और वो यहां जरूर आएगा। लेकिन नास्त्रदमस के पास एक नहीं कई शक्तियां हैं और उनमें से ही एक है ये एस्ट्रोसाइन क्रिएटर यानी राशि निर्माता। ये कंप्यूटराइज्ड क्रिएटर ब्रह्मांड किरणों को इकट्ठा करके उस वक्त आकाश में जो भी राशियां उदित हो चुकी होंगी उस राशि को इस ऑब्जर्वेटरी में साकार और सजीव रूप में बना देगा। ऐसी 12 राशियां होती है और किसी न किसी राशि में उस ध्रुव की मौत का योग लिखा ही होगा, शायद कर्क में या फिर मेष में या कुंभ में या धम। अपनी किस्मत को ध्यान से पढ़ ले नास्त्रदमस, क्योंकि तेरी मृत्यु राशि का नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। आहा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था लड़के, तुझे तो यहां पर आना ही था, क्योंकि यहीं पर लिखी है तेरी मृत्यु की घड़ी। और वो खड़ी है तुम्हारी मौत धनु राशि। रिचा अपने कंप्यूटर से उलझी हुई थी। ओह, 27 पासवर्ड और कोड ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन सारे के सारे निगेटिव, सब में एरर आ रहा है। जल्दी करो रिचा, जल्दी करो। नास्त्रदमस के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचो। मैं जानता हूं और ये अनुभव भी कर चुका हूं कि नास्त्रदमस इस दुनिया का सबसे खतरनाक जीनियस है। ध्रुव की जान खतरे में है, ध्रुव सचमुच खतरे में था। टंग टंग, उफ, ये धनु तो मुझ पर तूफान गति से बाणों की बौछार कर रहा है। मेरी फुर्ती भी ज्यादा देर काम नहीं आएगी। बड़ाम, तुम एकदम ठीक समझ रहे हो ध्रुव, क्योंकि इसके सौर ऊर्जा युक्त बाणों का सिर्फ एक बार तुम्हारा राम नाम सत कर देने के लिए काफी है। मैं कभी अपने साथ कोई हथियार नहीं रखता, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं दुश्मन पर हमेशा दुश्मन के हथियार से ही वार करता हूँ। बड़ाम, अरे इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। ये ब्रह्मांड किरणों से बना राशि प्राणी है ध्रुव, ये चलता ही सौर ऊर्जा से है। तुम खुद ही सोचो इस पर सौर ऊर्जा युक्त बाण भला क्या असर करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। अगर मेरे हाथ में हथियार नहीं है तो फिर इसके हाथ में भी नहीं रहेगा। धड़ाक, ओह, यानी तुम मेरे राशि प्राणी से शारीरिक शारीरिक बल वाला मुकाबला चाहते हो। वेरी गुड, क्योंकि ब्रह्मांड किरणों के इस शरीर को तो न्यूक्लियर बम भी नहीं भेज सकते। फिर भी तुम कोशिश करके देख लो। ध्रुव ने कोशिश की। तड़ाक, और उसके दिमाग का जर्रा जर्रा हिलकर रह गया। संभल पाने से पहले एक बार और हुआ और ध्रुव का दिमाग धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगा। ताड़, इससे ऐसे जीत पाना असंभव है। इसको बेकार करने का एक ही तरीका है कि इसको संचालित करने वाले कंप्यूटर को बेकार कर दिया जाए, और ये काम कर सकती है सिर्फ रीचा। रीचा, जल्दी करो, जल्दी। कीप क्वाइट मिस्टर साहा, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओफ डैम इट, नास्त्रदमस के कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही है, और जब तक मैं कामयाब होऊंगी तब तक ध्रुव का ना जाने क्या हाल हो चुका होगा। ध्रुव की तरफ धनु राशि के खूर उसको कुचल देने के लिए बढ़ रहे थे, तभी ध्रुव ने अपने आप को संभाला और धनु क्रोध से पागल हो उठा। ओह, ये तो अपने खुरों से इस पक्के फर्श में छेद कर दे रहा है। तड़ाक कड़ाक, फिर इसके खुर मेरे बदन का क्या हाल करेंगे। और उधर क्या हुआ, करंट लग गया क्या? मैंने नास्त्रदमस के कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर लिया है डॉक्टर साहा। वाह, तो बेकार कर दो उस बड़बोले के कंप्यूटर सिस्टम को। करती हूँ, अब सिर्फ 1 मिनट और लगेगा। लेकिन ध्रुव तो एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था। अब मुझे समझ में आया तरीका इसको रोकने की नहीं, बल्कि मुझे तो इसके खुरों से तोड़फोड़ करने की जरूरत है।
और इसके लिए मुझे सिर्फ इसकी आंखों को बंद करने की ज़रूरत है ताकि ये देख ना पाए कि ये कहाँ पर वार कर रहा है। तड़ाक, पसलियों में लात लगाते ही धनु बौखला उठा और ध्रुव को गिराने की बेतरहत कोशिश करने लगा। और उसकी हर कोशिश नास्तिक्दमस के ताबूत की एक एक कील बनती जा रही थी। अरे, ये बौखला कर मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, ऐसे तो ये मेरी पूरी लैब तोड़ डालेगा। कड़क, कोशिश तो मेरी भी यही है नास्त्रदमस, तेरी कोशिश बेकार करने का इंतजाम मैं अभी किए देता हूँ लड़के। आकाश में एक और राशि जेमिनी यानी मिथुन उदित हो चुकी है, मैं उसको अभी। अरे, मेरे कंप्यूटर को क्या हो रहा है? ये काम करना बंद कर रहा है, किसी ने मेरे कंप्यूटर में वायरस डाल दिया है। वाह, यानी रीचा ने अपना काम। अरे, धनु का शरीर गर्म हो रहा है, इसको सौर ऊर्जा मिलनी बंद हो चुकी है, लगता है कि अब ये गायब होने वाला है। ये क्या हुआ? मेरा कंप्यूटर खराब कैसे हो गया? ये मैं तुमको बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, तब जब मैं जेल में तुमसे मिलने आऊंगा। धाड़! ध्रुव के एक भीष्मवार ने नास्त्रदमस को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। रीसा का मैसेज कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है, उसने पुलिस को खबर कर दी है। वेरी गुड, वेल डन रीचा, होप यू आर राइट, यानी उम्मीद है तुम ठीक ठाक हो। यस रीचा, मैं एकदम ठीक हूँ। आगे और भी कुछ लिखा आ रहा है, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज लगा? आई लव यू हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।